तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. ये नया चैप्टर है साउंड वेव. और साउंड वेव को समझने के लिए हमें पीछे की कुछ जो कॉन्सेप्ट है, कुछ थ्योरी जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमने पढ़ लिया है. जैसे कि हमने SHM पढ़ा, वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ा, उनके कॉन्सेप्ट जो है वो इस चैप्टर में काफ़ी यूज में आते हैं. ये जो चैप्टर है वो IITJEE के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्पेशली इसमें दो सब टॉपिक आते हैं. एक रेजोनेंस ट्यूब मेथड आता है स्पीड अप साउंड फाइंड करने का, वो, और दूसरा आता है डॉपलर इफेक्ट. उससे बार बार ये दोनों सब टॉपिक से JEE में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो जो साउंड वेव है, जब साउंड वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो तीन जो क्वांटिटी है वो वेरी करते हैं. जैसे जब मीडियम में ट्रेवल करेगा तो मीडियम के अंदर प्रेशर होता है, प्रेशर जो है वो पीरियडिकली वेरी करता है, साथ में प्रेशर वेरी करता है और साथ में उसके साथ में जो डेंसिटी है मीडियम का वो भी वेरी करता है. मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते रहते हैं, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पीरियडिकली वेरी करता है. तो कहा जाता है कि जो साउंड वेव है एक्चुअली में कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करता है. साउंड वेव ट्रेवल्स in the form of compression and rarefaction. है ना. कंप्रेशन रेरफेक्शन का मतलब है कि कंप्रेशन का मतलब हुआ जहां पर डेंसिटी ज्यादा हो गई प्रेशर भी ज्यादा हो गया. रेरफेक्शन का मतलब डेंसिटी भी कम हो गई है वहां पर प्रेशर भी कम हो गया. When sound wave moves, then pressure and density of medium varies periodically. Particles of medium vibrate, so their displacement also varies periodically. Sound wave is mainly treated as pressure wave, but equation of sound wave can be written in terms of pressure change density change and displacement of particles of medium. मतलब कि जो साउंड वेव का इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, डेंसिटी में जो चेंज होता है उसके टर्म में भी लिख सकते हैं, और प्रेशर में जो चेंज होता है उसके टर्म में भी लिख सकते हैं. आपको याद होगा जब हम लोग वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो वेव ऑन स्ट्रिंग में जो इक्वेशन था वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखा हुआ था. स्ट्रिंग के ऊपर जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करता था तो उसका डिस्प्लेसमेंट पीरियडिकली चेंज होता था, तो उसका इक्वेशन हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखा. जबकि जब साउंड वेव चलता है तो प्रेशर भी वेरी करता है, मीडियम का डेंसिटी भी वेरी करता है और
पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो उनका डिस्प्लेसमेंट भी वेरी करता है। तो साउंड वेव का इक्वेशन जो है इन तीनों के टर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन साउंड वेव को मेनली प्रेशर वेव ही माना जाता है। जब हमें इन तीनों में से किसी को प्रेफर करना हो कि मैं साउंड वेव का को डिस्प्लेसमेंट वेव मानूं या प्रेशर वेव मानूं या डेंसिटी वेव मानूं, तो उसमें प्रेफर करना है प्रेशर वेव मान करके चलना है, ठीक है। अब जो साउंड वेव है इसको हम लोग साउंड को तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, है ना। एक होता है इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड जो है हम लोग सुन नहीं सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम। एक होता है ऑडिएबल साउंड, मतलब कि वैसा साउंड जो हम लोग सुन सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है और 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक। और जो तीसरे तरीके का साउंड है उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ये साउंड भी हम लोग सुन नहीं सकते, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जब साउंड वेव ट्रेवल करता है किसी मीडियम में तो किस तरह से प्रेशर चेंज होता है, किस तरह से जो है डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है और किस तरह से डेंसिटी चेंज होता है, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है, इसमें एक है साउंड का सोर्स और इस साउंड सोर्स से साउंड जो है हर डायरेक्शन में निकल रहा होगा, लेकिन चूंकि अपना ऑब्जर्वर इधर है तो मैं सिर्फ उस साउंड को कंसीडर कर रहा हूँ जो कि सोर्स से निकल करके ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होगा, है ना। तो जब सोर्स से निकल करके ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो बीच में जो मोलिकुल्स होते हैं, जैसे एयर के मोलिकुल्स हो गया, अगर एयर में साउंड ट्रेवल कर रहा है तो एयर के मोलिकुल्स जो है वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेट करते करते होता क्या है कि किसी इंस्टेंट पर दोनों तरफ से मोलिकुल्स पास में आ रहे हैं तो डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है, और किसी इंस्टेंट पर इस तरह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, किसी इंस्टेंट पर जब ये दूर जा रहे होंगे तो यहां पर रेरिफेक्शन बन जाएगा, मतलब कि प्रेशर कम हो जाएगा, डेंसिटी भी कम हो जाएगा, और किसी इंस्टेंट पर पास में आएंगे तो यहां पर कंप्रेशन हो जाएगा, यानी कि प्रेशर भी बढ़ जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कंप्रेशन और रेरिफेक्शन जो है वो पीरियडिकली जो है वो बनते रहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये डेंसर लाइन्स दिख रही है यहां से यहां तक, इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। ये कंप्रेशन है जहां पर लाइन्स की डेंसिटी ज्यादा है, एक्चुअली में यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है और मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसको दिखाने के लिए डेंसर लाइन्स दिखाया गया है, ठीक। यहां पर देखेंगे लाइन्स की डेंसिटी कम है तो इसको हम लोग कहते हैं रेयरफेक्शन। ये हो गया रेयरफेक्शन। उसके बाद फिर देखेंगे यहां पर कंप्रेशन है, यहां डेंसिटी ज्यादा है तो ये हो गया कंप्रेशन, और फिर क्योंकि ये अल्टरनेट बनते हैं तो फिर से ये रेयरफेक्शन आ गया और फिर यहां पर कंप्रेशन आ गया। तो जिस तरह से वेव ऑन स्ट्रिंग में हमने कहा था कि उस पर ऊपर से चूहे जैसा एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है जो कि भागता रहता है, और फिर नीचे से एक चूहे जैसा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है वो भी भागते रहता है, तो ऊपर वाला नीचे वाला अल्टरनेट उसमें बनते थे जो भागते रहते थे आगे की तरफ, वैसे ही इसमें वैसा डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो रहा है बल्कि कंप्रेशन और रेरिफेक्शन बन रहा है। कंप्रेशन को मान सकते हैं आप ऊपर वाला डिस्टरबेंस जैसा है और रेरिफेक्शन जो है वो नीचे वाले डिस्टरबेंस जैसा है, ये दोनों चलते रहते हैं। तो कहते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर डिस्टर्बेंसेस इन द मीडियम विच ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ साउंड, मतलब साउंड जिस स्पीड से ट्रेवल करता है उसी स्पीड से ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रेवल करते हैं जो कि मीडियम में डिस्टरबेंस है। तो अगर मैं देखना चाहता हूं कि प्रेशर किस तरह से किसी पोजीशन पर वैरी कर रहा है तो देखेंगे कि एक मैंने ग्राफ बनाया नीचे, है ना, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं प्रेशर और यहां पर जो है ये है पोजीशन एक्स।
तो जैसे जैसे इधर जाएंगे तो प्रेशर का वेरिएशन जो है इस ग्राफ के से दिखाया गया है। तो देखेंगे कि यहां पर प्रेशर जो है, ये जो बिल्कुल मीन प्रेशर कहते हैं इसको, ये है एटमोस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर रहा होगा तो मीडियम में कौन सा प्रेशर होता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। लेकिन जब साउंड वेव ट्रेवल करेगा तो कभी कंप्रेशन आएगा। कंप्रेशन आने का मतलब वहां पर प्रेशर जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया है, और उसके बाद कंप्रेशन जैसे ही गुजरेगा वहां से, उसके बाद रेयरफेक्शन आता है। तो रेयरफेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया है। तो जहां पर कंप्रेशन होगा वहां पर प्रेशर एटमोस्फेरिक से ज्यादा होगा, जहां पर रेयरफेक्शन होगा वहां पर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर कंप्रेशन दिख रहा है, ये कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन के पास में प्रेशर जो है इस तरह से वेरी करता है। बीच वाले पॉइंट पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है और ये है पी नॉट। पी नॉट कहते हैं मैक्सिमम चेंज हो गया, यानी पीक वैल्यू, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर जो है वो पी नॉट होता है। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर से जो मैक्सिमम चेंज होगा, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल कंप्रेशन का बिल्कुल मीड पॉइंट पर सबसे प्रेशर ज्यादा होता है, और वहां पर प्रेशर कितना होता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस पी नॉट, है ना। पूरे कंप्रेशन में जो प्रेशर है हर जगह बराबर नहीं है, बीच में सबसे ज्यादा है। हर जगह एटमोस्फेरिक से ज्यादा तो है, लेकिन हर जगह बराबर जो है वो ज्यादा नहीं है। मतलब यहां पर सबसे ज्यादा है, यहां पर थोड़ा कम है, यहां पर थोड़ा कम है, मतलब कि एटमोस्फेरिक से प्रेशर ज्यादा ही है, लेकिन ये जो ज्यादा है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, वो हर जगह बराबर बराबर नहीं है। यहां पर बहुत ज्यादा है, इधर थोड़ा सा ज्यादा है, इधर और थोड़ा ज्यादा है, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे यहां पर आकर के एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। आगे देखेंगे रेयरफेक्शन है, रेयरफेक्शन पर जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक से कम हो गया है, और जहां पर देखेंगे कि यहां भी हर जगह प्रेशर जो है वो बराबर नहीं है, ये साइनसॉइडली जो है वो चेंज हो रहा है। मतलब कि अगर बिल्कुल रेयरफेक्शन के मिड पॉइंट पर देखेंगे तो प्रेशर वहां पर सबसे कम है, यहां पर प्रेशर जो है वो पी नॉट से कम हो गया है। यानी यहां पर अगर प्रेशर बताया जाए तो पी एटमोस्फेरिक माइनस पी नॉट होगा। तो हमने क्या देखा कि जहां पर कंप्रेशन है वहां पर प्रेशर एटमोस्फेरिक से ज्यादा है, जहां पर रेयरफेक्शन है वहां पर प्रेशर एटमोस्फेरिक से कम है। फिर अगली बार फिर कंप्रेशन है यहां पर, तो यहां भी प्रेशर जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, यहां रेयरफेक्शन है तो यहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। ये जो पी नॉट है इसको प्रेशर एम्पलीट्यूड कहा जाता है, मतलब मैक्सिमम वेरिएशन इन प्रेशर, प्रेशर एम्पलीट्यूड, ठीक। तो ये तो हमने ड्रॉ कर दिया ग्राफ जो है, ये ड्रॉ किया हमने एब्सोल्यूट प्रेशर वर्सेस पोजीशन की, प्रेशर जो है डिस्टेंस के साथ में, एक्स के साथ में किस तरह से वेरी कर रहा है। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि चेंज इन प्रेशर जो है वो किस तरह से वेरी करेगा। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर का मतलब हो गया डेल्टा पी, ठीक। तो अगर किसी पॉइंट पर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, मतलब वहां तो प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ है, तो जो साउंड के आने से पहले जो प्रेशर था वही प्रेशर, तो प्रेशर चेंज नहीं हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे जीरो चेंज। जहां पर प्रेशर पी एटमोस्फेरिक प्लस पी नॉट हो गया है वहां पर कितना चेंज हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पी नॉट से चेंज हो गया है। तो चेंज का जो पीक वैल्यू है वो हो गया पी नॉट। जहां पर रेयरफेक्शन है, रेयरफेक्शन में मैक्सिमम चेंज कितना होगा, वहां भी पी नॉट का ही होगा, तो ये हो गया है यहां पर माइनस पी नॉट। माइनस पी नॉट का मतलब कि एटमोस्फेरिक से नीचे चले गया है, इसलिए माइनस पी नॉट कहेंगे। यहां पर ऊपर की तरफ बढ़ गया है पी नॉट, फिर यहां पर पी नॉट नीचे आ गया है, ठीक। तो ये आ गया चेंज इन प्रेशर। एक्चुअली में जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, तो वहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर के फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिखा जाता, बल्कि चेंज इन प्रेशर के फॉर्म में लिखा जाता है, है ना। जैसे साइन कर्व होता है तो साइन का वैल्यू जीरो भी आता है और मैक्सिमम भी आता है, तो मिनिमम मतलब कि जीरो भी आएगा और मैक्सिमम भी आएगा। तो साइन का जो वैल्यू है वो मतलब कि जीरो भी होगा, प्लस पी नॉट भी होगा, माइनस पी नॉट भी होगा, तो ये साइन कर्व जैसा इसका ग्राफ आएगा। तो हम लोग इसमें इक्वेशन लिखेंगे चेंज इन प्रेशर के टर्म में, ये ध्यान रखना, ये वाला इक्वेशन नहीं लिखेंगे, एटमोस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर का इक्वेशन नहीं लिखा जाता।
अब जो है ये तो हो गया चेंज प्रेशर का ग्राफ, ये भी एक्स के साथ में ही है। अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी जो है वो भी कुछ उसी तरह से वेरी करता है। मैं डेंसिटी में चेंज लिख देता हूं, चेंज इन डेंसिटी। तो अगर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर था या जब साउंड ट्रेवल नहीं कर रहा था, तो जो डेंसिटी थी उसको हम लोग मान लेंगे कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो जीरो। और मैक्सिमम चेंज जो है वो हो जाएगा रो नॉट, मतलब कि डेंसिटी जो है जहां कंप्रेशन होता है वहां पर डेंसिटी बढ़ जाती है ना, और जहां पर रिफ्लेक्शन होगा वहां पर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी जो है, गैस की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से ये रो नॉट है, ये रो नॉट है ना। तो इसमें डेंसिटी का जो मैक्सिमम चेंज है वो है रो नॉट। इसको कहा जा सकता है रो नॉट को डेंसिटी एम्पलीट्यूड। तो देखेंगे कि जो डेंसिटी है ये भी हर जगह बराबर नहीं है। जहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा है वहां डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है, और जहां पर प्रेशर सबसे कम है वहां डेंसिटी भी सबसे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर और डेंसिटी सिनुसॉइडली वेरी तो करते हैं, सेम फेज में वेरी करते हैं, सेम फेज में होते हैं। मतलब जब प्रेशर मैक्सिमम होगा तो डेंसिटी भी मैक्सिमम, जब प्रेशर जीरो होगा तो डेंसिटी भी जीरो होगा, जब प्रेशर मिनिमम होगा तो डेंसिटी भी मिनिमम होगा। तो दोनों सेम फेज में वेरिएट कर सकते हैं। ये कह सकते हैं प्रेशर एंड डेंसिटी वेरी साइनसॉइडली इन फेज, है ना। मतलब कि जब एक मीन पर होगा तो दूसरा भी मीन पर होगा, जब एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा तो दूसरा भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा, एक नेगेटिव एक्सट्रीम पर होगा तो दूसरा भी नेगेटिव एक्सट्रीम पर होगा। तो इसको कहते हैं सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। अब फोर्थ ग्राफ है, ये है पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, है ना, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स ग्राफ। ये भी एक्स के साथ में ही था, है ना। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं एस से, ठीक है। अब वाई डिस्प्लेसमेंट होता था, वहां पर वेव ऑन स्ट्रिंग डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वाई से लिखते थे, और यहां पर साउंड वाला केस है इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ए से लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ इस तरह से वेरी करता है कि पार्टिकल जो है अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना। तो जैसे होगा ये कि जहां पर प्रेशर देखेंगे, जहां पर मिनिमम, मतलब प्रेशर वेरिएशन जहां पर नहीं होता वहां का पार्टिकल सबसे ज्यादा ऊपर नीचे, मतलब सबसे ज्यादा जो है वाइब्रेट करता है, यानी एक्सट्रीम पोजिशन पर होगा वो। और ये बिल्कुल बीच में जहां पर देखेंगे प्रेशर मैक्सिमम है या जहां पर मिनिमम है वहां का पार्टिकल अभी रुका होगा, अभी वो रेस्ट पर होगा, यानी अब मीन पोजीशन पर होगा अपने, ठीक है। मतलब कि जहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा है वहां का पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर होगा, और जहां पर प्रेशर सबसे कम है यानी कि जीरो है, वेरिएशन ही नहीं हुआ, वहां का पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच रखा होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है कि जब प्रेशर मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है, जब प्रेशर जो है वो जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम है। यानी ये दोनों वेरी तो करते हैं लेकिन ये इनके बीच का फेज डिफरेंस होता है पाई बाय टू, मतलब एक मीन पर तो दूसरा एक्सट्रीम पर, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा पाई बाय टू, है ना। तो फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव इज पाई बाय टू। यहां तो मैंने ग्राफ से बताया है, हम लोग आगे इसको डिराइव करेंगे, डिराइव करके देखेंगे, डेरिवेशन से देखेंगे कि फेज डिफरेंस पाई बाय टू आता है। यहां तो ग्राफ आदमी कुछ भी बना सकता है ना, तो लेकिन ग्राफ ऐसा ही आता है, इसलिए ऐसा बताया है कि जब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होता है तो ये मीन पर होता है, और इसलिए ऐसा ग्राफ आता है, तो इसका मतलब फेज डिफरेंस पाई बाय टू होता है, ठीक। तो ये जो हमने ग्राफ देखा वो डिस्टेंस के साथ में, अभी टाइम के साथ ग्राफ हमने देखा नहीं। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी जो वेव है वो टी टाइम में
टी टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है ना। क्योंकि हमने वेवलेंथ का डिफिनेशन ही बताया था कि टी टाइम में वेव जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो वेवलेंथ कहलाता है। अगर टी टाइम में लैम्डा ट्रेवल करता है तो टी बाय टू टाइम में लैम्डा बाय टू डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो होता यहां पर यही है एक्चुअली में, जो कंपरेशन और रेरिफेक्शन है इनका खुद का लेंथ होता है लैम्डा बाय टू। जैसे यहां देखेंगे हम लोग क्या मानते थे वेवन स्ट्रीम में कि जैसे एक लूप है पूरा, ये पूरा यहां से यहां तक ये पूरा होता था लैम्डा के बराबर, एक वेवलेंथ के बराबर। तो ये आधा जो है ये होता था लैम्डा बाई टू के बराबर, उसी तरह से ये आधा भी लैम्डा बाई टू के बराबर। तो देखेंगे कि जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ तो कंप्रेशन का भी है। तो जो कंप्रेशन है एक्चुअली में ये भी लैम्डा बाई टू लेंथ का हो गया। उसी तरह से जो रेरिफेक्शन है ये भी लैम्डा बाई टू लेंथ का हो गया है ना, और ये फिर से कंप्रेशन है ये भी लैम्डा बाई टू लेंथ का होगा, फिर यहां पर रेरिफेक्शन है ये भी लैम्डा बाई टू लेंथ का होगा, फिर कंप्रेशन है ये भी लैम्डा बाई टू लेंथ का होगा है ना। तो हर कंप्रेशन और रेरिफेक्शन जो है वो लैम्डा बाई टू लेंथ का होता है। अब आप देखेंगे कि हमने यहां क्या बताया कि टी बाई टू टाइम में जो वेव है वो लैम्डा बाई टू डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी जो डिस्टर्बेंस है डिस्टर्बेंस ही वेव होता है पल्स है ना। तो यहां पर डिस्टर्बेंस क्या है, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन। तो कंप्रेशन रेरिफेक्शन टी बाई टू टाइम में लैम्डा बाई टू डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो आप देखेंगे कि टी बाई टू टाइम में अगर ये कंप्रेशन लैम्डा बाई टू ट्रेवल करेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, इस रेरिफेक्शन की जगह पर, और ये रेरिफेक्शन लैम्डा बाई टू डिस्टेंस ट्रेवल कर कहां पहुंच जाएगा, इस कंप्रेशन पर। यानी हर टी बाई टू टाइम बाद इनका जो पोजिशन है वो इंटरचेंज हो जाएगा, जहां कंप्रेशन है वहां रेरिफेक्शन आ जाएगा, जहां रेरिफेक्शन है वहां पर कंप्रेशन आ जाएगा ठीक है। तो देखेंगे टी बाई टू टाइम बाद ये कंप्रेशन यहां पहुंच जाएगा रेरिफेक्शन की जगह पर, और अगले टी बाई टू टाइम बाद ये कंप्रेशन जो यहां आ चुका है वो अगली बार फिर से यहां आ जाएगा। यानी एक टाइम पीरियड के बाद जहां कंप्रेशन था वहां पर फिर से कंप्रेशन होता है ना, और जहां पर रेरिफेक्शन था वहां पर फिर से रेरिफेक्शन आ जाता है। तो इस तरह से ये कंप्रेशन और रेरिफेक्शन जो है वो आगे की तरफ ट्रेवल करते रहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि यहां पर जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है पी नॉट, और जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को हम लोग लिखते हैं यहां पर एस नॉट है ना। डिस्प्लेसमेंट एस है तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को यहां पर एस नॉट लिखते हैं है ना। तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ज्यादा एस नॉट पॉजिटिव एक्सट्रीम डिस्टेंस तक जा सकता है और माइनस एस नॉट निगेटिव एक्सट्रीम तक जा सकता है ना। तो अब हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं कि जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है और जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन देखेंगे। और इनका जो इक्वेशन ऑफ साउंड वेव होता है, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव हम लोग बताया कि तीन तरीके से लिख सकते हैं, प्रेशर के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो वो इक्वेशन भी हम लोग लिखने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो अब जो है हम लोग साउंड वेव का इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हमें एक रिलेशन चाहिए। प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में रिलेशन पता होगा तो इक्वेशन लिख सकते हैं। एक इक्वेशन पहले से कंसीडर करके चलेंगे और दूसरा इक्वेशन जो हम लोग फाइंड करेंगे। एक इक्वेशन का मतलब होगा कि जैसे डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन मैं पहले से कुछ मान लेता हूं है ना, लेट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव जो है यानी कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने कुछ इस तरह से लिख दिया एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन हमने लिख लिया, और प्रेशर वेव का जो इक्वेशन है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। डिराइव करने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जो साउंड है वो यहां से इधर जा रहा है ना, तो यहां से आगे जैसे मान लिया एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा सिलिंड्रिकल एलिमेंट लेते हैं ठीक है, या ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसका लेंथ है डेल्टा एक्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये है ए है ना। तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये जो है एक्चुअली में एक्स है और ये हो गया एक्स
प्लस डेल्टा एक्स, तभी इसका लेंथ जो है वो डेल्टा एक्स होगा। अब क्या है, ये जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट लिया है एक्चुअली में मीडियम का एक छोटा सा पार्ट है, इसमें हजारों मोलिकुल्स हैं सब इधर उधर जा रहे हैं, तो यहां वाला पार्टिकल भी ऐसे चिमकर रहे होंगे, यहां वाले भी पार्टिकल ऐसे चिमकर रहे होंगे, बीच वाले भी ऐसे चिमकर रहे होंगे। तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर यहां वाला जो पार्टिकल है वो एस एच एम करता हुआ यहां से एस आगे बढ़ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट है एस, और यहां वाला जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है एस प्लस डेल्टा एस, ऐसा हो गया। तो यहां पर देखेंगे कि ये जो छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट ये हो जाएगा एरिया इंटू डेल्टा एक्स, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ इसका डेल्टा एक्स है। हाँ, अब लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो कितना से चेंज हो गया, इसको मैं कह सकता हूं कि ये वी है, पूरे एलिमेंट का लेंथ है, और इसको मैं लिख सकता हूं कि ये डेल्टा वी है। ये कितना आएगा, देखेंगे कि अगर ये एस डिस्टेंस यहां वाला एंड एस आगे गया है, अगर ये भी एस जाता तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन ये एस गया है तो ये एस प्लस डेल्टा एस गया, यानी डेल्टा एस ये एक्स्ट्रा चले गया है, तो इसका जो वॉल्यूम है ए इंटू डेल्टा एस से बढ़ गया होगा। अब आप कह सकते हैं कि डेल्टा एस प्लस में क्यों लिखा, माइनस में तो लिख सकते थे, है ना, लेकिन हमेशा हमें पता है कि अननोन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम इतना आया और ओरिजिनल वॉल्यूम जो एलिमेंट का है वो इतना है। अब जो है क्वांटिटी होता है बल्क मॉडुलस, जो कि हम लोग इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, बल्क मॉडुलस को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, और ये होता है इस तरह से निगेटिव ऑफ, एक्चुअली में इसको लिखा जाता है कुछ इस तरह से, बल्क स्ट्रेस या उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। इसका मतलब मैं बताता हूं, जैसे मान लेते हैं कोई बैलून है, बैलून समझने के लिए ज्यादा आसान है, वैसे कोई भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो जब उस पर बाहर से प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उसका वॉल्यूम घटेगा, है ना, और अगर बाहर का प्रेशर कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में चूंकि हम लोग गैसेज की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं बैलून वाला केस ले रहा हूं, बैलून है उसके अंदर एयर होगा, तो अगर बाहर से प्रेशर बढ़ाया जाए तो बैलून जो है कंप्रेस हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो इसकी जो बाउंड्री है बैलून की, अगर चारों तरफ से प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो इसकी बाउंड्री जो है वो घट सकती है, या मैं ये कह सकता हूं अगर प्रेशर बाहर का कम कर दूं तो बैलून बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री जो है यहां से खिसक करके यहां आ गई, यानी इतना जो वॉल्यूम है ये चेंज हो गया इसका। ठीक, तो बाहर से जो प्रेशर है, प्रेशर हमें चेंज करना पड़ेगा, प्रेशर को चेंज करेंगे तभी वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो इसका चेंज इन वॉल्यूम हो गया डेल्टा वी। ठीक, तो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था वी, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि यहां पर चेंज इन प्रेशर के बराबर होता है, तो उसको लिखते हैं माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी बाई वी, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है, है ना। अब यहां पर माइनस साइन इसलिए आता है क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है और प्रेशर घटाने से वॉल्यूम इसका जो है बढ़ेगा, इसलिए माइनस साइन आता है, मतलब डेल्टा पी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा वी निगेटिव आएगा और डेल्टा पी निगेटिव होगा तो डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, तो बीटा जो है ये कभी निगेटिव नहीं होता, इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन यहां पर लगाया है। तो ये होता है बल्क मॉडुलस। तो यहां पर देखेंगे कि जो बल्क मॉडुलस है इसको मैं लिख सकता हूं माइनस, क्योंकि हम लोग यहां पर प्रेशर का इक्वेशन निकालने वाले हैं और प्रेशर का जो इक्वेशन है हमने उसमें कहा कि चेंज इन प्रेशर का इक्वेशन लिखेंगे, तो ये जो चेंज इन प्रेशर है उसी को मैं यहां पर पी लिख देता हूं। ध्यान रखना कि मैं लिख रहा हूं पी, लेकिन है ये चेंज इन प्रेशर, क्योंकि इक्वेशन भी चेंज इन प्रेशर का ही आएगा, तो ये चेंज इन प्रेशर हो गया। और डेल्टा वी बाय वी यहां से देखेंगे, डेल्टा वी कितना आया है, ए डेल्टा एस, है ना, ए डेल्टा एस
डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम है ए इंटू डेल्टा एक्स, तो ए और ए कैंसिल हो गया है ना, तो यहां पर जो बल्क मॉडुलस आया वो हो गया माइनस पी डिवाइडेड बाई डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स। यानी अगर यहां पर प्रेशर लिखा जाए, प्रेशर आ जाएगा माइनस बीटा इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स। ठीक, अब देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यहां पर दिया हुआ है, तो जो डेल्टा एस है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस बीटा इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स, मतलब एस को मैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो यहां से पी की जो वैल्यू आएगी माइनस बीटा इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स, इसमें से निकालेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, तो माइनस के बाहर आएगा और एस नॉट भी बाहर आएगा, तो माइनस के एस नॉट बाहर हो जाएगा, तो बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना, यहां पर कॉस आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे ना जब, तो साइन का कॉस होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना, बस ये आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये आ गया बीटा के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो प्रेशर का जो इक्वेशन है वो ये आया। अब इसको मैं लिख सकता हूं टी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी पी इज इक्वल टू पी नॉट, कॉस को लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू है ना, वेयर पी पी नॉट इज इक्वल टू बीटा के एस नॉट, मतलब बीटा के एस नॉट को मैंने पी नॉट रख दिया और कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो इतना प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि अपना डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने लिया था एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन था, ये प्रेशर वेव का इक्वेशन है। ठीक, तो पी नॉट एस नॉट में तो रिलेशन हमने निकाल ही लिया, अब फेज का डिफरेंस देखें, ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय टू है, तो इनका फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई बाय टू, सो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव इज पाई बाय टू। फेज डिफरेंस पाई बाय टू का मतलब आपको पता होगा कि जैसे पार्टिकल, दो पार्टिकल ऐसे चेंज करो, एक मीन पर है और एक एक्सट्रीम पर है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाय टू होता है, यहां से देखें पाई बाय टू होगा, एक मीन पर एक एक्सट्रीम पर, तो फेज डिफरेंस पाई बाय टू, मतलब जब एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा यानी जीरो होगा। ठीक है, तो और दूसरा अगर मैक्सिमम हुआ तो पहला जीरो होगा, तो ये इनमें रिलेशन है, मतलब कि अगर मैं एक को साइन में लेता हूं तो दूसरा जो है ये कॉस में आएगा, अगर साइन जीरो होता है ना तो कॉस प्लस वन होता है, जब कॉस जीरो होता है तो साइन प्लस वन होता है, इसलिए ये इनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाई टू है। ये ग्राफ के टाइम भी मैंने ये चीज लिखवाया था, यहां पर हमने इक्वेशन डिराइव करके देखा, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट का, तो अगर एक को साइन में लेंगे तो दूसरे को कॉस में हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और डेंसिटी का ये जो इक्वेशन है वो बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं प्रेशर जैसा ही, अगर प्रेशर कॉस में है तो डेंसिटी भी कॉस में ही होगा। हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के लिए ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेंसिटी के लिए कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन हमें इन्हीं दो के टर्म में लिखने की जरूरत पड़ेगी, हालांकि लिख सकते हैं डेंसिटी के टर्म में भी। अब आगे आते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि जो साउंड वेव है उसका स्पीड फाइंड करने की कोशिश करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड वेव।
है ना। तो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को देखते हैं। ये जो एलिमेंट है, मैं अब क्या करता हूं, इसका फिगर वापस यहां बना देता हूं, है ना। तो ये जो है अपना छोटा सा एलिमेंट है ना, ये हो गया x पर और ये हो गया x प्लस डेल्टा x पर। अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मैं लेता हूं एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो प्रेशर का जो इक्वेशन होगा ये आ जाएगा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहां पर पी नॉट का वैल्यू है बीटा के एस नॉट। ठीक, अब देखेंगे कि यहां पर अगर प्रेशर मैं मान लेता हूं कि पी है, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा पी प्लस डेल्टा पी। जैसे वहां डिस्प्लेसमेंट एस लिया था, यहां पर एस प्लस डेल्टा एस, तो वैसे भी अगर यहां पर प्रेशर पी है तो यहां पर प्रेशर पी प्लस डेल्टा पी होगा। यानी अगर यहां पर प्रेशर पी है तो इस एलिमेंट पर यहां से फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया क्या है, इस सिलेंडर का एरिया है ना, तो प्रेशर इंटू एरिया इतना फोर्स लगेगा इधर से, और इधर से फोर्स कितना लगेगा इधर लेफ्ट में, यह आएगा पी प्लस डेल्टा पी इंटू एरिया, इतना फोर्स इधर लगेगा। तो इधर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो एक्चुअली में ज्यादा है ना, क्योंकि अगर ये एलिमेंट थोड़ा सा इधर खिसका है तो प्रेशर इधर लगा करके रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा जो वापस उसको अपने मेन पोजिशन पर ले आएगा। तो इसमें अगर मैं कहूं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स ये आएगा माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ वो आएगा माइनस डेल्टा पी इंटू ए, है ना, ये आ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन ऑफ एलिमेंट, ये छोटा सा एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इस छोटे से एलिमेंट का मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ एलिमेंट ये हो जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम है ए इंटू डेल्टा एक्स, एरिया हमने ए लिया है इसका, इसका लेंथ है डेल्टा एक्स, तो वॉल्यूम होगा ए इंटू डेल्टा एक्स, और जो डेंसिटी है मीडियम का रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मास आ जाएगा। तो मैं यहां पर रखता हूं माइनस डेल्टा पी इंटू एरिया, मास को रखेंगे रो इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। तो आप देखेंगे कि यहां से एरिया जो है वो कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना बचा, ये हो गया माइनस वन बाई रो डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स, इसको लिखा जा सकता है वन बाई रो डेल पी बाई डेल एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो ये प्रेशर का इक्वेशन यहां पर दिया हुआ है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये जो अपना एक्सेलरेशन है वो आएगा वन बाई रो माइनस, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से एक तो पी नॉट बाहर आएगा, और एक पी नॉट पहले से बाहर है और माइनस के बाहर आएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो फिर यहां आएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। तो अल्टीमेटली एक माइनस मिलकर प्लस हो गया, एक माइनस रह जाएगा, तो माइनस P नॉट इंटू के बाई रो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के बाई रो। अब जो P नॉट है, P नॉट की वैल्यू हमें पता है बी के एस नॉट होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं बी के एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये तो आ गया एक्सेलरेशन ए, यहां से रिस्टोरिंग फोर्स हमने यूज करके देखा। हमें पता है कि जब पार्टिकल ऐसे चेंज करता है तो उसका एक्सेलरेशन हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, ऑल्सो डीएस मतलब कि जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी निकालेंगे डीएस बाई डीटी यहां से, तो ये कितना आएगा, यह आएगा ओमेगा एस नॉट साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस
के एक्स, ये होगा है ना। और एक्सेलरेशन निकालना हो तो वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब डी टू एस बाई डी टी टू, एक बार ओमेगा और बाहर आएगा, ओमेगा स्क्वायर एस नॉट कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिख देता हूं एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो देखेंगे एक्सेलरेशन के दो इक्वेशन आए अपने पास, एक तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफ्रेंशिएट करके निकाला और एक एक्सेलरेशन यहां पर निकाल रखा है, ये एक्सेलरेशन था रिस्टोरिंग फोर्स को मास डिवाइड करके निकाला है ना। तो ये भी जो है एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, ये एक्चुअली में दोनों इक्वेशन जो है वो बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों तो एक्सेलरेशन ही बता रहे हैं। तो दोनों को जब बराबर करेंगे देखेंगे कि इसमें साइन है और इसमें भी साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा ठीक। तो आगे जो है इसके बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं यहां पर। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो दो इक्वेशन थे एक्सेलरेशन के, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को मैंने यहां पर इक्वेट कर दिया है। इक्वेट करने से क्या होगा कि एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहां से और एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा के स्क्वायर बाई रो है ना। तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा बाई रो, यानी ओमेगा बाई के जो आएगा ये हो जाएगा बीटा बाई रो। अब ओमेगा बाई के जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ वेव, और यहां पर वेव कौन सा है, साउंड वेव। तो वी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के इज इक्वल टू बीटा बाई रो, तो ये हो गया स्पीड ऑफ साउंड वेव है ना। अब यहां पर कई बार हमें किसी गैस के अंदर जो है स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना होता है, किसी सॉलिड के अंदर कैलकुलेट करना होता है, किसी लिक्विड के अंदर कैलकुलेट करना होता है, तो अलग अलग तरीके से फॉर्मूले को इसको यूज किया जाता है। जैसे इन सॉलिड्स जो बल्क मॉडुलस के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, यंग्स मॉडुलस यूज करते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड वी इज इक्वल टू अंडर रूट बल्क मॉडुलस के जगह पर यंग्स मॉडुलस रखेंगे और ये जो है नीचे वॉल्यूम डेंसिटी रखेंगे, वेयर वाई इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड। अगर लिक्विड के अंदर पता करना हो, इन लिक्विड्स, तो लिक्विड के अंदर जो है बल्क मॉडुलस लिक्विड के लिए डिफाइन होता है, तो हम लोग यहां पर बल्क मॉडुलस बाई रो यूज कर सकते हैं, वेयर बीटा इज बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड। जब गैस की बात करेंगे, इन गैसेस, तो गैस का बल्क मॉडुलस जो है वो दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस में, एक एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो सबसे पहले एक लॉ आया था न्यूटन का, तो न्यूटन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया, उसने कहा कि जो कंप्रेशन और रिफ्रेक्शन बनते रहते हैं बार बार, या वो मूव करते रहते हैं, प्रेशर वेरिएशन होता है, तो उसमें टेम्परेचर वेरी नहीं करता, यानी इसने माना कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, एज्यूमिंग
आइसोथर्मल कंडीशंस। तो वैसे थर्मोडायनेमिक्स में हमने आइसोथर्मल कंडीशन में जो है आइसोथर्मल वाले केस में बल्क मॉडुलस फाइंड किया था, वो बल्क मॉडुलस आया था पी के इक्वल। फिर से हम लोग यहां पर कर लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का जो प्रोसेस इक्वेशन होता है, प्रोसेस इक्वेशन ये होता है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और आइडियल गैस से देखें तो एन भी कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट और टी भी कॉन्स्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा जैसे पी डी वी वाई डी एक्स या वी डी पी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स हटा देते हैं यहां से, है ना। तो यहां से देखेंगे कि पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी हो गया। तो यहां पर जो बल्क मॉडुलस होता है ये होता है पी इज इक्वल टू, यहां पर देखें ये डी वी को अगर मैं उस साइड में ले जाता हूं तो क्या आएगा, डी वी को उधर ले जाने से आ जाएगा वी डी पी डिवाइडेड बाई डी वी, यानी कि माइनस डी पी बाई डी वी बाई वी, है ना। यहां से आप देखें जो पी आएगा कितना आएगा, माइनस वी डी पी बाई डी वी, और यही वाला जो वैल्यू है इसको मैंने यहां लिखा है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v को अगर नीचे लाएं तो माइनस डी पी बाई डी वी, ये अपना एक्चुअली में बल्क मॉडुलस होता है ना। तो ये बल्क मॉडुलस होता है, ऐसे समझें कि जो प्रेशर था इसको मैंने ऐसे लिखा, ये प्रेशर ये हुआ और इसमें v को नीचे लगा तो ये हो गया, और ये होता है अपना बल्क मॉडुलस। तो मतलब ये प्रूव हुआ कि जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के इक्वल होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाई रो होता है, और बी को हम लोग लिख सकते हैं पी यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस में। और यह भी पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, एन को लिख सकते हैं मास बाई मॉलिकुलर वेट, है ना। तो यहां से पी हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम आर टी बाई एम, तो मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी रो आर टी बाई एम। तो यहां से देख सकते हैं कि जो पी बाई रो है, पी इधर है रो को इधर लाएंगे तो इसको लिखा जा सकता है आर टी बाई एम, यानी इसको जो P बाई रो है यहां पर इसको मैं आर टी बाई एम भी लिख सकता हूं, है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हो गया अंडर रूट आर टी बाई एम, ठीक। एक और दूसरा लॉ होता है लाप्लास लॉ बोलते हैं, लाप्लास फॉर्मूला बोलते हैं। एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला है ये रिजल्ट सही नहीं देता, मतलब अगर इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे तो एस टी पी पर वी का जो वैल्यू आता है ये आता है 282 मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्चुअली में जो साउंड का स्पीड होता है एस टी पी पर मेजर करके देखेंगे तो वो आता है 332 के आसपास, जबकि ये बताता है 282, यानी कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ था। तो जो गड़बड़ी थी वो ये था कि ये आइसोथर्मल कंडीशन नहीं होता, इसमें टेम्परेचर जो है वो वेरी कर सकता है। तो लाप्लास एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि इसमें गड़बड़ यह है कि ये आइसोथर्मल नहीं है बल्कि ये एडियाबेटिक है, मतलब कि उसमें हीट कंटेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है उतने देर में जितने देर में प्रेशर और कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन वेरी करते हैं या भागते हैं, उतने देर में हीट कंटेंट चेंज नहीं हो पाता, और इसलिए इसमें माना जाता है कि ये एडियाबेटिक कंडीशन में प्रेशर वेरिएशन होता है, ठीक। तो एडियाबेटिक कंडीशन मान करके हम लोग जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो एक्चुअल रिजल्ट होगा, वो एक्चुअल में स्पीड ऑफ साउंड बताएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि लाप्लास ने कुछ करेक्शन किया था, वो करेक्शन किस तरह से किया। तो उसने माना कि जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, यानी हीट कॉन्टेंट जो है सिस्टम का वो कॉन्स्टेंट रहता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो प्रोसेस इक्वेशन होता है ये हमें
पता है, इसका प्रोसेस इक्वेशन होता है पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर गामा क्या होता है, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट होता है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, तो अगर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाता हूं डिफ्रेंशिएशन का, प्रेशर पी है और वी पावर गामा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा गामा वी पावर गामा माइनस वन इंटू डीवी बाई डीएक्स प्लस वी पावर गामा को कॉन्स्टेंट लेते हैं और पी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डीपी बाई डीएक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन है जीरो। वैसे हम लोग यहां पर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि कई सारे बच्चों को डिफ्रेंशिएशन सही तरीके से पता नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके हम लोग एक्स को हटा देते हैं। तो अब यहां पर क्या आएगा, गामा पी वी पावर गामा माइनस वन डीवी प्लस वी पावर गामा डीपी इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसमें से v पावर गामा माइनस वन जो है मैं कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा गामा p dv प्लस v dp इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि गामा p dv प्लस v dp इज इक्वल टू जीरो आएगा, यानी गामा p dv गामा पी डीवी, ये इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आएगा माइनस वी डी पी। तो गामा पी जो है इसको लिखा जा सकता है माइनस वी डी पी बाई डीवी, यानी माइनस डी पी बाई डीवी बाई वी, और ये जो होता है ये बल्क मॉडुलस होता है, यानी कि जो बल्क मॉडुलस है वो हो गया गामा पी के इक्वल। सो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू, मतलब कि ये होता है कितना, बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो। तो इसको मैं लिख सकता हूं बल्क मॉडुलस को गामा पी बाय रो, और जो पी बाय रो है हमने अभी डिराइव किया था कि पी बाय रो होता है आर टी बाय एम के इक्वल, तो इसको लिख सकते हैं गामा आर टी बाय एम। तो ये जो है वो सही फॉर्मूला है, क्योंकि इससे रिजल्ट भी सही आता है। इसमें ध्यान रखना है कि जो एम है ये है मॉलिक्यूलर वेट, और इसको कभी भी रखना है तो किलोग्राम में रखना है, टी जो है टेम्परेचर है, इसको हमेशा केल्विन में रखना है, ठीक। और जो आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप 8.314 रख सकते हैं जो भी एसआई यूनिट में है, है ना। और गामा जो होता है एडियाबेटिक एक्सपोनेंट होता है। थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा कि जो गामा है, गामा की वैल्यू बताते हैं 1 + 2 / f, जहां पर f क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। गामा की वैल्यू हमने निकाला, जैसे मोनाटोमी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो ये होता है 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक, और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये 5 रखा जाता है फॉर डायटॉमिक, तो ये हो जाएगा 7/5 फॉर डायटॉमिक, है ना। और आगे बस यही दो याद रखना है, बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है, जैसे कि पॉलीएटॉमिक होते हैं तो पॉलीएटॉमिक में लीनियर भी होते हैं और जो है वो एंगुलर भी होते हैं। तो अगर लीनियर होगा तो डाई एटॉमिक जैसा ही आएगा, है ना। मैं लिख देता हूं 7/5 पॉली एटॉमिक लीनियर, मतलब लीनियर होगा तो उसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो डाई एटॉमिक जैसा ही आएगा, ठीक है। और अगर पॉली एटॉमिक जो है पॉली एटॉमिक एंगुलर हो गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम माना जाता है 6, तो 6 + 2 = 8/6 यानी 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा फॉर पॉली एटॉमिक एंगुलर। तो ये गामा की वैल्यू इसमें रख देंगे, और ये जो वैल्यू है जैसा यूनिट बताया गया है इस तरह के यूनिट से रखेंगे तो ये जो आंसर है ये सही आएगा। और जब हमने निकाला इसको एस टी पी पर,
एट एस टी पी, तो इससे एग्जैक्टली 332 मीटर पर सेकंड साउंड का स्पीड आया एयर में, है ना, इन एयर। यानी ये जो फॉर्मूला है ये सही फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला था ये एयर में हमने निकाला था तो ये आया था 282 मीटर पर सेकंड, तो ये गलत था। तो जब तक न्यूटन फॉर्मूला यूज करने के लिए नहीं कहा जाए स्पेशली, तब तक हमें यूज नहीं करना है, हमें हमेशा ये वाला फॉर्मूला जो है इसको यूज करना है।